Good morning, all of you, and welcome to the official YouTube channel of GS Central. आज का हमारा ये क्लास जो है वो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स. हिंदी में कहा जाए तो भाग अनुच्छेद और अनुसूचियां. देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या रहती है कि सर पार्ट्स आर्टिकल्स और शेड्यूल्स याद ही नहीं हो रहा है, कैसे याद किया जाए. और यहां से क्वेश्चन तो आते ही हैं हर एग्जाम में एक या दो सवाल पार्ट से या किसी आर्टिकल से या किसी शेड्यूल्स या अनुसूची से संबंधित पूछ ही लिया जाता है. जिस भी परीक्षा में भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. देखिए किसी भी चीज को याद रखने के लिए जरूरी है कि आप पहले उसका बेसिक जो है वो आपको जानकारी हो. जब बेसिक आप जान लेते हैं तो उस पर आप कोई ट्रिक बना सकते हैं खुद से ताकि आपको वो याद रहे. तो आज के इस क्लास में हम लोग उसका बेसिक जो है उस पर चर्चा करने वाले हैं. बेसिक कहने का मतलब संविधान में जितने पार्ट्स हैं, जितने आर्टिकल्स हैं और जितने शेड्यूल्स हैं उन सबको हम चर्चा करेंगे. आज के इस क्लास में पार्ट्स आर्टिकल वाइज किस पार्ट में कहां से कहां तक आर्टिकल हैं उनकी चर्चा हम करेंगे और इसके बाद भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं शेड्यूल्स हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे. आज के वीडियो के बाद अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद. देखिए भारतीय संविधान में अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो 444 से 48 के आसपास अनुच्छेद हैं. इन सभी अनुच्छेदों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है. कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखना आवश्यक है. उन सभी अनुच्छेदों को कलेक्ट करके हम लोग आज इस वीडियो के बाद वाली वीडियो में उसको स्टडी कर लेंगे. तो एक बार फिर से कह दूं मैं आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान के पार्ट्स आर्टिकल वाइज और अनुसूचियां मतलब भाग और अनुसूचियां अनुच्छेदों के साथ. ठीक है, अभी तक जिन दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको अपडेट उसके मिलते रहें. आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं. वहां प्रतिदिन अलग अलग विषयों सामान्य अध्ययन से संबंधित अलग अलग विषयों के क्विज करवाए जाते हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं जो 25-25 क्वेश्चन के होते हैं सामान्यतः. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि जो आप पढ़ते हैं उस चीज को कितना समझा आपने वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मदद से आप उसको जान पाए. क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं उसका टेस्ट देना जरूरी होता है. बहुत सारे लड़कों में दिक्कत यह है, विद्यार्थियों में दिक्कत यह है कि पढ़ते तो हैं मगर टेस्ट नहीं देते. टेस्ट नहीं देने के कारण वो उन्होंने क्या सीखा ये उन्हें मालूम ही नहीं रहता है. तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है और चैप्टर वाइज टेस्ट होता है. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उस पर प्रतिदिन टेस्ट हो ही रहा है आप भी उसको ज्वाइन कीजिए. उसमें स्कोर बता दिया जाएगा आपका और अपने आप को इवेल्युएट कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करते रहिए. अपना इवेल्युएशन करते रहिए कि आपने क्या सीखा और क्या अभी और बाकी रह गया है. तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं भारतीय राज व्यवस्था से पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पार्ट वन जो है हमारा भारतीय संविधान का पार्ट वन जो है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. हिंदी में भी लिख दिया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र. आर्टिकल एक से लेकर के आर्टिकल चार के बीच है ये. दूसरा जो आता है वो है सिटीजनशिप नागरिकता. इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 के बीच है. तो 1 से 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 5 से 11 हो गया नागरिकता. पार्ट नंबर थर्ड में आ जाते हैं हम. थर्ड में है फंडामेंटल राइट और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 12 to 35, 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है. और अगर हम आगे चले तो हमारा अगला पार्ट जो आता है वो है पार्ट नंबर 4 और इसमें जो आर्टिकल है वो है 36 to 51, 36 से 51 और यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है. इंग्लिश में इसको संक्षेप में डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. अगला जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 4A और ये जो है वो हेडिंग है मौलिक कर्तव्य
और आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A, 51A। ऊपर में जो पार्ट थर्ड है वो मौलिक अधिकार है और 4A में जो है वो मौलिक कर्तव्य है, वो फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पर पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका अलग से एक वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, उसको जरूर आप देखें। अगला जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5 और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 52 to 151, मतलब 52 से 51 तक यूनियन। अब यूनियन में क्या है तो संघ जो है उसके बारे में दिया गया है, संघ के बाद उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबके बारे में दिया हुआ है। अच्छा, इसी यूनियन पार्ट में पार्ट 5 में जो चैप्टर 1 है वो एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। यहाँ हिंदी मिस्टेक है, देखिए हिंदी यहाँ गलत लिखा गया है, राज्य नहीं होगा, यहाँ कार्यपालिका होगा। यहाँ एरो अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, ये लिखने में मिस्टेक है। खैर, तो यूनियन जो पार्ट है पार्ट नंबर 5 ये 52 से 151 के बीच है। इसका बाइफर्केशन जो है चैप्टर 1 52 to 78, चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट से संबंधित है 79 से 122 तक। इसी का चैप्टर 3 जो है वो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 123, उसी में मतलब पार्ट 5 में ही चैप्टर 5 है, यह है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल अनुच्छेद है 148 से 151 के बीच। तो इस प्रकार हम देखें तो पार्ट नंबर 5 भाग 5 जो है वो 5 चैप्टर्स में डिवाइड है। और आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। अगला पार्ट जो हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे वो है पार्ट नंबर 6 और इसका नाम है द स्टेट्स या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ध्यान रखिए पार्ट 5 में क्या हमने देखा, केंद्र सरकार के बारे में, पार्ट 6 अब आए राज्य सरकार के बारे में। आर्टिकल कहां से कहां तक, 152 से लेकर के 237 तक। इसमें भी जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 में है जनरल जो डेफिनेशंस है वो दिए गए हैं, चैप्टर 2 है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, चैप्टर 3 है स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका विधानमंडल जो होता है, चैप्टर 4 है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर राज्यपाल की विधायी शक्तियां, चैप्टर 5 जो है वो है हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214 में है, 214 से स्टार्ट होता है 232 तक है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के अधीन जो कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और उनसे छोटे अदालतें जो हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक। इस प्रकार हम देखना हमने देखा कि पार्ट नंबर 6 जो है उसमें 6 चैप्टर है, ठीक है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बीच। अगला पार्ट जो हमारे सामने अब पार्ट आ रहा है वो है पार्ट नंबर 8 और ये संबंधित है यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसके लिए अनुच्छेद है 239 से लेकर के 242 तक। ध्यान देने वाली बात है, अभी हम लोग पार्ट नंबर 8 में आ गए हैं, अगर फिर से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, उंगलियों पर आपको याद रखना है, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन, 6 स्टेट, पार्ट 7 यूनियन आपका, पार्ट 7 हटा दिया गया है, पार्ट 7 इसमें नहीं है, उसको ऑमिट कर दिया गया है, पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। अगला जो पार्ट आएगा वो है पार्ट नंबर 9 जो पंचायतों से संबंधित है और इसके लिए आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 ओ, ए बी सी डी ओ तक, ठीक है। आगे आप देखते हैं स्क्रीन पर, ऐसे है कि आप हमसे फेसबुक, अभी मैं आपको बता ही रहा था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट हमने ऐसा बनाया है कि टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन विषयों के हिसाब से टेस्ट करवाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट प्रतिदिन, सुबह में 25 क्वेश्चन और शाम में 25 क्वेश्चन, मतलब प्रतिदिन हमारी ओर से आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं अलग अलग विषयों से संबंधित,
वो विषय कौन होगा वो बता दिया गया है और हमेशा बताया भी जाता रहा है। और हमारा फेसबुक पेज जो है उस पर हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, तो फेसबुक पेज से करंट अफेयर्स जो है वहां से वो होगा, टेलीग्राम चैनल से क्विज और अन्य जो जानकारियां हैं वो हम लोग करवाते हैं, और यूट्यूब का जो ये चैनल है, यूट्यूब के जो क्लासेस हमारे होते हैं उनके से संबंधित हम जो अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग विषयों के हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह आप अगर चाहें तो हमारे फेसबुक पेज लिंक स्क्रीन पे दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल उसका भी लिंक स्क्रीन पे दिया हुआ है, या सर्च कर सकते हैं और उससे आप जुड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला जो पार्ट है वो है पार्ट 9A। अब 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, हिंदी में इनको नगर पालिकाएं कहा जाता है। इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक। अब ये क्या वाला है भाई, तो इसको देखिए। अभी अगर आपको याद होगा पार्ट 9 के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, 9 जो था वो 243 से लेके 243O तक था, उसी में एक स्टेप आगे आए 9A जो 243P से लेकर के 243Z और फिर से एमसीडी स्टार्ट हुई और जी तक है। एक स्टेप और अगर हम आगे आएंगे तो अगला पार्ट आएगा 9B जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है और जिसके लिए आर्टिकल है 243ZH से लेकर के 243ZT तक। अगला पार्ट जो हमारा है वो है पार्ट नंबर 10 से 10 जिसमें द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, और इसके लिए अनुच्छेद है 244 और अनुच्छेद 244A। अगला पार्ट जो हम देखने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 जो है वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, हिंदी में कहा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसके लिए आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। इसमें भी चैप्टर्स अलग अलग हैं, अगर चैप्टर 1 देखा जाए तो यह विधायी संबंध की बात करता है, चैप्टर 2 जो है वो प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों की बात करता है। अगला जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं, सॉरी पार्ट देखने जा रहे हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट या भाग देखने जा रहे हैं वो है भाग 12 पार्ट नंबर 12। यह जो है वो फाइनेंस मतलब प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स से संबंधित है और इसके लिए आर्टिकल जो है वो है 264 से लेकर के 300A तक। हिंदी में कहा जाए वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसमें भी चैप्टर हैं, 4 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। चैप्टर 1 जो है फाइनेंस है, चैप्टर 2 है उधार लेना या बोरोइंग्स, चैप्टर 3 है प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट्स लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, और चैप्टर 4 जो है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करता था, बाद में संशोधन कर दिया गया और संशोधित करके फंडामेंटल ड्यूटीज सॉरी फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, और फंडामेंटल राइट की श्रेणी से इसको हटा करके आर्टिकल 300A में रखा गया, जो जहां पर अब ये केवल लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। अगला पार्ट जो आता है हमारा वो है पार्ट नंबर 13, और पार्ट 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 307 के बीच। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 14, ये महत्वपूर्ण है और ये है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, नौकरियां जो हैं उनके विषय में चर्चा करता है यह। तो इसमें भी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 सर्विसेज से संबंधित है और चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल जरूर याद रखें 308 से 323। अगला पार्ट देखते हैं जो है पार्ट नंबर 14A और ये ट्रिब्यूनल्स से संबंधित है, जिनको हम हिंदी में अधिकरण कहते हैं, 323A में है और 323B में है। और आगे अगर हम चले तो पार्ट नंबर 15 पर पहुंच जाएंगे जो इलेक्शंस की बात करता है, निर्वाचन की बात करता है और आर्टिकल 324 से 329A तक की बात करता है। और अगर आगे हम आए
तो आएंगे पार्ट नंबर 16 में, 16 में जो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों से संबंध के संबंध में विशेष बंध, कुछ स्पेशल जो हमारे यहाँ क्लासेस हैं उनसे संबंधित प्रावधानों की बात की गई है इसमें, अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है। अगला जो अब हमारे पास पार्ट है वो है पार्ट नंबर 17 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है और आर्टिकल है 343 से 351। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की मान्यता प्राप्त हैं। इसमें भी चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है वो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से संबंधित है, और अगर हम आगे देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो हो जाएगा वो है रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं। चैप्टर 3 जो है वो लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन, और चैप्टर 4 जो है वो स्पेशल डायरेक्टिव से संबंधित है। अगर हम और आगे आए अगले पार्ट में तो पार्ट नंबर 18 तक पहुंच जाते हैं, और पार्ट नंबर 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन प्रावधान, जर्मनी से लिया है हमने इसको, बहुत जरूरी है याद रखना, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। पार्ट 19 है जिसमें मिसलेनियस है। पार्ट नंबर 20 है जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, संविधान में संशोधन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, इसकी बात करता है। अगला जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 21 है जो टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, और अस्थायी संक्रमण काली जो बदलते रहते हैं और विशेष उपबंधों की बात करता है। पार्ट नंबर 22 जो है वो आपका सॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स इत्यादि की बात करता है, अनुच्छेद 393 से 395 के बीच। दोस्तों, और इस वीडियो में अभी तक जो हमने बात की है वो अभी तक हमने ये बात की कि भारतीय संविधान में कुल 22 पार्ट्स हैं या भाग हैं, और 395 या 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं, वास्तविक संख्या है यह। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान के कितने पार्ट हैं या भाग हैं, तो जैसे ही पूछा जाएगा कि गणना की दृष्टि से कितने हैं तो हमें यह याद रखना है कि गणना की दृष्टि से यह संख्या अलग हो जाती है। अलग कैसे हो जाती है, तो यहां पर हम 22 देख रहे हैं जिसमें पार्ट नंबर 7 जो है वो हटा दिया गया है और पार्ट 4A ऐड हुआ है, 9A ऐड हुआ है और 9B ऐड हुआ है, तो गणना के दृष्टि से 3 अल और पार्ट्स इसमें ऐड हो जाते हैं तो संख्या 25 हो जाती है। उसी प्रकार से आर्टिकल्स टोटल वास्तविक में 395 हैं परंतु गणना के दृष्टि से इनकी संख्या 444 से 448 के बीच हो जाती है। आइए अब हम लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसूचियों के बारे में चर्चा करते हैं या शेड्यूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अनुसूचियां। सर्वप्रथम आप ये जान लें कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, परंतु वर्तमान में यह 12 संख्या हो गई है, मतलब 4 और अनुसूचियां इसमें ऐड की गई हैं या जोड़ी गई हैं स्वतंत्रता के बाद। अभी इस वीडियो में हम पूरे 12 अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल से। फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब अनुसूची होता है, तो फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल है ना ज्यूरिडिक्शन, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ये दो बातें इसमें चर्चा की गई हैं, कौन कौन, राज्यों के बारे में, उनके क्षेत्रों के बारे में, और संघ राज्य क्षेत्र और उनके विस्तार और उनके क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। दूसरी अनुसूची जो है शेड्यूल नंबर 2 या सेकेंड शेड्यूल, ये कहता है प्रोविजंस रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर। अच्छा, ये क्या है, तो इन सभी जिन पदाधिकारियों, जिन पद पर बैठे लोगों, जिन पदों का नाम आगे इस सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है, सब के बारे में
इनको क्या सुविधाएं मिलती है, वेतन क्या है, इनके वेतन के अलावा अदर अलाउंसेस क्या है, वेतन भत्ते क्या है, क्या इनको प्रिविलेज मिला हुआ है संविधान के द्वारा, इन सब की चर्चा दूसरी अनुसूची या सेकंड शेड्यूल में की गई है। इसमें कौन कौन से पद आते हैं उनको एक लाइन से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, सॉरी, और अभी और है इसमें, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, द कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सबों की चर्चा की गई है। अब हम अगर तीसरे अनुसूची की बात करें, थर्ड शेड्यूल की बात करें, तो इसमें ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात की गई है, की चर्चा की गई है, शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा, विभिन्न पदों पर बैठे लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान की बातों की चर्चा की गई है। कौन कौन इसमें लोग हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब के बारे में जो शपथ इनका है उसकी चर्चा की गई है। अगर चौथी अनुसूची की बात की हम करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है इसे, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में जो सीटें अलॉट की गई हैं, किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में होंगे उसकी चर्चा की गई है। पांचवी अनुसूची जो है वो प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित बातें की गई हैं। छठी अनुसूची की अगर बात की जाए सिक्स शेड्यूल की, तो इसमें हमें प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, विशेष चार राज्यों के बाद के प्रशासन और वहां के जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनसे संबंधित बातें की गई हैं। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से चार राज्य हैं, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उससे अगर हम आए तो हमारे पास सातवीं अनुसूची हो जाती है, सातवीं अनुसूची सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल जो संबंधित है वो है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट वन जो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट टू जो स्टेट लिस्ट है, लिस्ट थर्ड जो कंकरेंट लिस्ट है, एंड प्रेजेंटली द यूनियन लिस्ट कंटेन्स 100 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स। तो ये वर्तमान संख्या, जबकि ओरिजिनली भी लिखा हुआ है ओरिजिनली इसमें 97 थे यूनियन संघ सूची में, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कहने का तात्पर्य है कि सातवीं अनुसूची जो है वह तीन सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम देखते हैं आठवीं अनुसूची के बारे में जो लैंग्वेजेस से संबंधित है। आठवीं अनुसूची को याद रखिएगा कि इसमें 22 लैंग्वेजेस की चर्चा की गई है, 22 भाषाओं की चर्चा की गई है जो भारत में कार्यालयी भाषाएं भाषाओं के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं, 8 शेड्यूल में इनको मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं तो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, और 9वीं अनुसूची को आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची जो है यहाँ देखिए अगर कि दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहला संशोधन जो संविधान में हुआ था उसके द्वारा इसे शामिल किया गया, टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम ज्यूडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इस आधार पर किसी अधिनियम को रद्द करार दिया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के द्वारा, तो 9वीं अनुसूची उससे इसकी रक्षा करती है, उस अधिनियम की रक्षा करती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि नौवीं अनुसूची में जिन विषयों को रखा गया है उन विषयों की जुडिशियल स्क्रूटनी न्यायालय नहीं कर सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। परंतु हार्वर्ड 2007 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉ इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 2007 में कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जिन विषयों को नवीं अनुसूची में रखा गया है उनकी स्क्रूटनी न्यायालय कर सकता है। अब हम पहुंच गए हैं 10th शेड्यूल में, मतलब 10वीं अनुसूची में, और 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो संविधान के 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ यह संबंधित है। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 11वीं अनुसूची अगर यहाँ आप देखें तो यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। और पंचायतों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम 12th शेड्यूल की बात करें, 12वीं अनुसूची की बात करें, तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं, इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है और यह संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का। तो ये 12वीं अनुसूची को कंप्लीट करने के बाद हमने शेड्यूल वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। भारतीय संविधान में मैंने इसके शुरू में ही बताया कि मूलतः 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में बढ़ करके 12 हो गई है, 4 की वृद्धि हुई है। तो अब अगर सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस से बताएं कि 12 अनुसूचियां हैं, परंतु यह देख लें कि कहीं वह मूल संविधान को नहीं पूछ रहा है। अगर मूल संविधान पूछा जाएगा तो अनुसूचियों की संख्या 8 ही हो, 8 ही होगी क्योंकि 8 ही है। इस प्रकार से आज का ये क्लास जो है वह समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसा लगा हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, या अगर आप चाहें तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो आर्टिकल सब बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो उससे संबंधित वीडियो, इसके जस्ट बाद का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित होगा। तो इन दो वीडियोस को अच्छे तरह से देखने और समझने के बाद पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन मुझे लगता है कि आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसको सिलसिलेवार तरीके से फिर से देखिए और उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।